होती है। उसमें अलग से ना तैयारी ये है कि देखिए, एक तो जैसे JEE की अगर हम बात करें तो इसके ना दो पार्ट्स होते हैं। जो JEE है इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कहलाता है मेंस, और एक होता है एडवांस। जो बच्चे मेंस क्लियर करते हैं वही एडवांस में बैठ पाते हैं, सभी बच्चे एडवांस में नहीं बैठ पाते। बेटा 1 मिनट वेट करिए, बस 1 मिनट। तो इसके ना दो पार्ट्स होते हैं, एक मेंस और एक एडवांस। तो जो मेंस वाला है, मेंस वाला तो सभी बच्चे जिन्होंने भी फॉर्म भरा है वो मेंस वाला तो सभी बच्चे अटेम्प्ट करते हैं। मेंस वाले में जनरली जो है, जो क्वेश्चंस आते हैं वो ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब जिसमें आपको 4 में से 1 ऑप्शन सेलेक्ट करना होता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। उसके बाद जो एडवांस है, एडवांस में कुछ एमसीक्यूज भी आते हैं, एडवांस में सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आते हैं। जैसे कि पूरा का पूरा क्वेश्चन जो आपको एक्सप्लेन करके, जैसे अभी 10th में हम जिस तरह से प्रैक्टिस कर रहे थे कि 10th का अगर आपके बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं तो बोर्ड के एग्जाम्स में आपको क्या करना होता था, हर क्वेश्चन को आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा कंप्लीट सॉल्व करना होता है। तो वो जो स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट सॉल्यूशन है वो आएगा आपका एडवांस वाले सेक्शन। तो इसकी तैयारी बिल्कुल अलग तरीके से होती है। क्या है कि जैसे यहाँ पर तो हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कोई भी चैप्टर है, मान लीजिए वर्क एनर्जी एंड पावर है, मान लीजिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन है, तो उस सबको हम जो है बेसिक कंसेप्ट लेकर स्टार्ट करेंगे। और 11th 12th में आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है बहुत कम पूछे जाते हैं। 11th 12th में दो तीन तरीके के क्वेश्चन हैं मेजरली। एक तो होते हैं थ्योरिटिकल क्वेश्चन, वो जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन हैं, थ्योरिटिकल क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ में एक अलग टाइप के क्वेश्चन हैं, जो कैटेगरी यहाँ पर एक नई कैटेगरी डेवलप होगी, जैसे किसी भी फॉर्मूले को डिराइव करना। फॉर एग्जाम्पल हमने ये देखा है कि जो हमने फोर्स का एक फॉर्मूला देखा था, न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन, एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो एफ इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हमको डिराइव करने के लिए आएगा। ठीक है, तो ज्यादातर ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया, ऐसे ही ज्यादातर फॉर्मूले वो आपको डिराइव करने के लिए आएंगे। तो तीन पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड होता है 11th और 12th। JEE मेंस और एडवांस जो है यहाँ पर टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड होता है सब कुछ, यहाँ पर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं या फिर कंसेप्चुअल क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूँ 11th 12th की, तो 11th प्लस 12th इसमें क्वेश्चंस किस तरीके के बनेंगे, थ्योरेटिकल डेरिवेशनल और न्यूमेरिकल। ये डेरिवेशनल पार्ट है, डेरिवेशनल पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जितने भी बच्चे हैं जिन्होंने भी PCM लिया है उनके लिए बिल्कुल एक नई कैटेगरी आ गई क्वेश्चंस की। कि अब तक जो आपने साइंस में किया था, साइंस में आप देखते थे या तो थ्योरिटिकल क्वेश्चंस आते थे, थ्योरिटिकल जिसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी होते हैं, और या फिर आपके पास आता था न्यूमेरिकल। ठीक है, लेकिन ये डेरिवेशनल पार्ट भी आता था, जैसे आपने 9th क्लास में करा होगा, हाउ टू डिराइव इक्वेशंस ऑफ मोशन। जैसे इक्वेशंस ऑफ मोशन है, वी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए एस। तो इसका आपने ग्राफिकल मेथड से और मैथमेटिकल मेथड से
आपने इनका डेरिवेशन किया था 9th क्लास में, तो वो थोड़ा 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 आपने देखा है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में आपने जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो ये आपने करा था। तो मुश्किल से अगर देखा जाए, अगर 9th क्लास के या 10th क्लास के पूरे सिलेबस की बात करी जाए, तो 100% में से 10% डेरिवेशन आते थे वहां पर। लेकिन यहाँ पर क्या है, अब 11th में 12th में 100% में से लगभग लगभग 40% डेरिवेशन है। तो डेरिवेशन का जो है वो वेटेज थोड़ा सा ज्यादा है 11th 12th। दूसरा, न्यूमेरिकल्स का भी वेटेज लगभग लगभग 30 से 35% है, और जो बाकी बचा हुआ 20 to 25% है वो आपका थ्योरेटिकल पोर्शन। तो पूरी की पूरी फिजिक्स जो है वो इस तरीके से डिवाइडेड है। इंटरेस्टिंग बहुत है, मजा आएगा पढ़ने में आपको। फिजिक्स में बहुत इंटरेस्टिंग है फिजिक्स, तो फिजिक्स जब आप पढ़ेंगे तो आपको मजा बहुत आएगा इसको पढ़ने में। दूसरा, बहुत सारी चीजें इसमें इन्वॉल्व है, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th क्लास में करी है, तो ट्रिग्नोमेट्री का यूज है। ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा नहीं है कि ट्रिग्नोमेट्री के जो आइडेंटिटीज हैं उनका सबका यूज है, वो सारी चीजें तो नहीं है, लेकिन इतना है कि उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का बहुत यूज है, और किस तरीके से कॉम्पोनेंट्स को डिवाइड करते हैं वो, मतलब काफी नई नई चीजें आपके लिए हैं इसमें करने के लिए। ठीक है, तो वो आप इसमें करेंगे। दूसरा, अगर मैं देखूं थोड़ा बहुत वो भी ट्रिग्नोमेट्री का ही है, हाइट्स एंड डिस्टेंस, उसकी जरूरत पड़ेगी। और एक दो जगह पूरी फिजिक्स में, एक या दो जगह आपको सम ऑफ एपी वाला जो फॉर्मूला है उसकी जरूरत पड़ेगी, उसके अलावा कुछ भी नहीं। बाकी सारी चीज टोटली कंसेप्चुअल है, टोटली नहीं है, तो कोई भी चीज आपको ऐसी नहीं लगेगी जो समझ में ना आए। हाँ, इतना जरूर है कि बहुत सारी चीजें आपके लिए ऐसी हो जाएंगी जो आपने आपको लगेगा कि हमने तो बड़ा लंबा मेथड करा था अब तक, 9th क्लास तक या 10th क्लास तक हमने बड़ा लंबा मेथड करा था, यहाँ तो बड़े शॉर्टकट्स हैं। ठीक है ना, तो वो हम देखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं। बताइए जी, और किसी चीज को, किसी भी बारे में कुछ पूछना है अभी, कि किस तरीके से हमको प्रोसीड करना है? नो सर, ठीक है, तो आप ये देखिएगा कि अगर आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी करनी है, जेई की तैयारी करनी है, नीट की तैयारी करनी है, तो आप ये देखो कि उसके लिए ये बुक अच्छी है, एच सी वर्मा, डीसी पांडे अच्छी है। ठीक है, मैं एक रेगुलर बेस पर प्रिपरेशन इसकी नहीं करा पाऊंगा क्योंकि टाइम का कॉन्स्ट्रेंट है, टाइम की लिमिटेशन है, तो रेगुलर बेस पर मैं इसकी तैयारी नहीं करा पाऊंगा। हाँ, आप अगर खुद से प्रिपेयर करते हैं या इंजीनियरिंग एंट्रेंस का कोई भी आप दूसरा कोचिंग सेंटर या कोई भी क्रैश कोर्स प्रोग्राम या क्लासरूम प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, वो आप करते हैं, बाई चांस वहां पर आपके कुछ डाउट्स रह जाएं बिकॉज ऑफ टाइम, बिकॉज ऑफ टीचर नहीं रह सकते, क्योंकि टीचर तो बेस्ट क्लास टीचर है वहां पर, तो टीचर तो एक ही चीज वहां की क्लियर करा ही देंगे। लेकिन अगर कुछ टाइम की ऐसी लिमिटेशन हो जाए कि आप वहां पर ना पूछ पाए, या वहां बच्चे इतने ज्यादा हैं कि आपका नंबर आने में ही आपको टाइम लग रहा है, तो अगर आप कोई इस तरीके का मेरी कोचिंग के साथ में, अगर आप कुछ ऐसा भी कोई कोर्स या कोई प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, तो आप अपने डाउट्स मेरे पास ला सकते हैं, डाउट्स में करा सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन जो बेसिकली मैं लेकर चलूंगा, मैं 11th 12th की गारंटी मैं लेकर चलूंगा। ठीक है ना, वहां पर वो 11th 12th की गारंटी नहीं लेंगे, वो सिर्फ और सिर्फ ये कहेंगे इंजीनियरिंग एंट्रेंस की तैयारी हम करवा रहे हैं, 11th 12th आप खुद कर। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो IIT के एंट्रेंस या नीट की एंट्रेंस, इसकी प्रिपरेशन और 11th 12th को साथ में बड़े अच्छे से मैनेज कर लेते हैं, बड़े अच्छे से कोऑर्डिनेट कर लेते हैं। बहुत बच्चे ऐसे हैं जो नहीं भी कर पाते। ठीक है ना, तो आप 1 महीना 2 महीना आप देख लीजिए कि आप किस कैटेगरी में लाइक करते हैं, आप करके देख लेते हैं। ठीक है ना, और उसमें कोई भी बच्चे को जो साथ साथ कर ले कोऑर्डिनेट, उसको तो ज्यादा हवा में उड़ने की जरूरत नहीं है कि मैं तो बड़ा इंटेलिजेंट हूँ। और जो बच्चा साथ साथ कोऑर्डिनेट ना कर पाए, उसको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है कि वो बच्चा तो बड़ा इंटेलिजेंट है, मैं तो बेवकूफ रह गया, है ना। तो ऐसा किसी को भी देखिए, अलग अलग तरीके के बच्चों के दिमाग होते हैं। और 10th क्लास में मैं आपको बता देता हूँ, 10th क्लास में बहुत एवरेज से एवरेज बच्चा या बिलो एवरेज बच्चा भी, वो बहुत अच्छा इंजीनियरिंग एंट्रेंस और 11th 12th की प्रिपरेशन, इन दोनों के बीच में बड़ा अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा सकता है। ठीक है ना, और 10th क्लास तक जो बच्चा टॉपर रहा है, हो सकता है कि वो IIT की प्रिपरेशन करे और इंजीनियरिंग एंट्रेंस की प्रिपरेशन और आपका 11th 12th की प्रिपरेशन करे, और इनमें कोऑर्डिनेशन ना बिठा पाए, मतलब ना तो बहुत अच्छे से 11th 12th की तैयारी हो पा रही है उसकी,
और ना बहुत अच्छे से इंजीनियरिंग एंट्रेंस की, तो ऐसा भी होता है, ठीक है ना। तो ये एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि इस लेवल पर, 11th क्लास में जो आते हैं, इस लेवल पर हर एक बच्चा, किसी बच्चे को जो बहुत इंटेलिजेंट है उसको बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, और जो बहुत ज्यादा कमजोर है बच्चा उसे बहुत ज्यादा डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है। यहाँ 11th में हर बच्चा एक सेम लेवल से ही, आप समझ लीजिए आप सब बच्चे एक सेम लेवल से स्टार्ट ले रहे हैं, तो अपना पिछला अच्छा रिकॉर्ड रहा है या बुरा रिकॉर्ड रहा है उसको छोड़ो और यहाँ से स्टार्ट करो, ठीक है। किसी को इस बारे में कुछ पूछना है तो बताइए, अरे किसी को इस बारे में कुछ पूछना है तो बताइए। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी बताइए। सर आप केमिस्ट्री के लिए कौन सी बुक यूज कर लोगे? केमिस्ट्री के लिए मुझे मतलब एग्जैक्टली नहीं पता, ओपी अग्रवाल वैसे बुक आती है, बड़ी अच्छी बुक है। बाकी आप कहेंगे तो मैं पूछकर बता दूंगा, किसी स्टूडेंट से पूछकर बता दूंगा। हाँ जी, और अभी चैट बॉक्स में किसी ने पूछा है, हाँ 9th के टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके 9th के टॉपिक्स क्लियर नहीं होते। 10th में आते आते बहुत से ऐसे भी बच्चे हैं जो 10th में आ गए हैं, 9th की सारी चीजें भूल गए, तो उस चीज की जरा सी दिक्कत लेने की, जरा सा भी प्रॉब्लम में आने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक एक चीज मैं बताऊंगा, कुछ भी नहीं आता है समझ में तो भी मैं बताऊंगा, एक एक चीज पूछ लेना, ठीक है। जबकि आपको पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मैं लेकर ही बेसिक से चलूंगा, ठीक है। और किसी को कोई डाउट हो तो बताओ, मैं स्टार्ट करता हूँ। धीरे धीरे जो भी डाउट बीच में भी आते हैं बेफिक्र होकर पूछना, बेझिझक पूछना, ठीक है। तो देखिए पहला वाला जो चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड वाला चैप्टर तो टोटली खुद से पढ़ने का है, इसमें सिर्फ कभी कोई पेपर में क्वेश्चन नहीं आता, कुछ नहीं आता, ठीक है। हम दूसरा वाला जो चैप्टर है यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यहां से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 लक्ष्य क्या बोल रहे हो, फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स क्या? तुम्हारा माइक ऑन हो रहा है लेकिन आवाज नहीं आ रही उधर से। हाँ रेफरेंस बुक के तौर पर ले सकते हो, और कोई भी बुक ले सकते हो, लेकिन मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बुक लो और उसको अच्छे तरीके से कर जाओ। अगर आप 4-5 भी बुक्स अगर इकट्ठी करते हैं ना तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा। हर राइटर का अलग 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 स्टाइल है समझाने का, हर राइटर का अलग तरीका है, तो आप ये देखिएगा कि अगर आप बहुत सारी बुक्स ले लेंगे तो देर विल बी अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। तो इसलिए कोई एक बुक लो, अच्छी बुक ले लो, जितनी भी मैंने बुक्स मेंशन करी है सब अच्छी, कोई भी एक बुक लो और उसके हिसाब से करो। चलिए चैप्टर नंबर टू से स्टार्ट करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट। Units and measurement. Units and measurement. यहाँ पर सबसे पहले हमें ये देखना होता है, बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि कितने तरीके की क्वांटिटीज होती है, ठीक है। क्वांटिटीज का मतलब जैसे हम ये बोलते हैं कि अगर मान लीजिए मास की बात करते हैं कि किसी की बॉडी का मास कितना है, तो अगर हम मास की बात करते हैं तो सीधा सीधा ये है कि किसी भी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर कितना कंटेंट है, ठीक है। तो हम कई बार ये कहते हैं कि बलून है, और ये साइज से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर हम बलून की बात करते हैं तो बलून के अंदर एयर भरी हुई है, वहीं हम किसी बड़े पॉलीबैग की बात करें और उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी भरी हुई है तो पॉलीबैग का वजन ज्यादा होगा as compared to balloon, क्योंकि balloon के अंदर air भरी हुई। तो अगर मैं mass की बात करता हूँ तो mass का सीधा सीधा relation ये है कि किस body के अंदर कितनी quantity of matter contained है, ठीक है।
ठीक है। तो अब ये क्वांटिटी क्या होती है, क्वांटिटी का मतलब होता है मात्रा, मात्रा मतलब, मात्रा मतलब कि कितनी ज्यादा कोई चीज है। ठीक है, मेरे पास 5 टॉफी है तो टॉफियों की क्वांटिटी मेरे पास कम है, मेरे पास 50 टॉफियां हैं तो मेरे पास क्वांटिटी ऑफ टॉफी यानी कि काउंटिंग वो बहुत ज्यादा है। तो अगर किसी बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत ज्यादा भरा हुआ है तो मैं बोलूंगा उसका मास ज्यादा है, और अगर उसके अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर बहुत कम है तो मैं बोलूंगा उसका मास बहुत कम है। अब ये जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी भी तो वेरी कर सकती है, तो क्वांटिटी के बारे में हम ये कहते हैं कि सबसे पहले मुझे ये देखना होगा कि ये क्वांटिटीज कितने कितने तरीके की होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप नोट करेंगे, पहला जो हमारा टॉपिक है यूनिट्स एंड मेजरमेंट में फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या है, वो क्वांटिटी जिनको मैं फिजिकली देख सकता हूँ, जिनको मैं फिजिकली महसूस कर सकता हूँ। ठीक, तो देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज में इसमें लिखेंगे ऑल दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, all those quantities which can be measured all those quantities which can be measured directly or indirectly and in terms of which and all those quantities which can be measured directly or indirectly in terms of which the laws of physics can be expressed and in terms of which the laws of physics laws of physics can be expressed, laws of physics can be expressed are called physical quantities, are called physical quantities. All those quantities, जितनी भी quantities हैं जिनको हम directly measure कर सकते हैं या indirectly measure कर सकते हैं और जिन quantities की terms में physics के laws को explain किया जा सके, वो सारी की सारी quantities कहलाती हैं physical quantities। अभी जो इसकी definition है उससे शायद और अच्छे से clear ना हो तो आगे note करेंगे। Physical quantities are of two types. Physical quantities are of physical quantities are of two types. दो type की होती है physical quantity. पहली fundamental quantities, दो तरीके की होती है। पहली होगी फंडामेंटल क्वांटिटीज, इसमें नोट करेंगे द फिजिकल क्वांटिटीज विच कैन बी ट्रीटेड
physical quantities which can be treated, the physical quantities which can be treated as independent of other physical quantities, as the physical quantities which can be treated as independent of other independent of other physical quantities independent of other physical quantities are called fundamental quantities, are called fundamental are called fundamental quantities. ठीक है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं विच कैन बी ट्रीटेड एज इंडिपेंडेंट ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं जो कि बाकी की क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट है, मतलब किसी और पर डिपेंड नहीं करती, उन सबको हम बोल देते हैं फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज। जो भी फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी हैं जो किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती उसको हम बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। कैसे कैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल देयर आर सेवन देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज, केवल सात ही फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, बाकी सारी जैसे पहली टाइप तो मैंने बताई फंडामेंटल क्वांटिटीज, ऐसी दूसरी टाइप होती है डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती है सात, देयर आर सेवन देयर आर सेवन फंडामेंटल क्वांटिटीज। क्या क्या है? मास, लेंथ, टाइम, मास, लेंथ, मास, लेंथ, टाइम, कॉमा, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, कॉमा, टेम्परेचर, मास, लेंथ, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, टेम्परेचर, luminous intensity and amount of substance, luminous intensity and amount of substance तो fundamental quantities सात होती हैं और ये फंडामेंटल क्वांटिटीज इंडिपेंडेंट होती है। इंडिपेंडेंट का मतलब किसी पर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि मास की बात करें तो मास किसी पर डिपेंड नहीं करता, मेरा मास आपके मास पर डिपेंड नहीं करेगा, मेरा मास मेरे सराउंडिंग के मास पर डिपेंड नहीं करेगा, मेरा जितना मास है उतना ही रहना है, आपका जितना मास है उतना ही रहना है, वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। लेंथ, मेरी जो लेंथ है वो किसी और की लेंथ पर डिपेंड ही नहीं करेगी, मेरी लेंथ जो है वो मेरी लेंथ है तो वो किसी और क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती, समझ गए। जैसे कि अगर मैं ये कहूं कि अगला है इलेक्ट्रिक करंट, तो क्या इलेक्ट्रिक करंट एक फिजिकल क्वांटिटी है? हम ये कहेंगे हाँ, ये फिजिकल क्वांटिटी के साथ साथ फंडामेंटल क्वांटिटी है। इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो की वजह से इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। अगर इलेक्ट्रिक करंट है तो वोल्टेज है, नहीं तो वोल्टेज भी नहीं है, ठीक है ना। तो हम ये कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। हम अगर डिग्री ऑफ हॉटनेस या डिग्री ऑफ कोल्डनेस की बात करें तो अगर किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो हम ये कहेंगे कि ये गर्म है, अगर किसी का टेम्परेचर कम है तो हम ये कहेंगे कि ये ठंडा है, ये कोल्ड है। तो इसका मतलब जो डिग्री ऑफ हॉटनेस है और डिग्री ऑफ कोल्डनेस है वो
वो डिपेंड करती है टेम्परेचर पर, तो वो तो डिराइव्ड क्वांटिटी हो गई, लेकिन टेम्परेचर किसी पर डिपेंड नहीं करता। तो टेम्परेचर क्या हो गया, टेम्परेचर हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी हो गई। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है कि जैसे एक ट्यूबलाइट जलती है, कोई बल्ब जलता है, तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब ये है कि उसकी रोशनी कितनी है, उसकी रोशनी कितनी है, कितना वो ब्राइट है, कितना वो ज्यादा ब्राइट है, कितना वो कम ब्राइट है। तो अगर वो ज्यादा ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी ज्यादा है, अगर वो कम ब्राइट है तो उसकी इंटेंसिटी कम है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी वो है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस क्या होता है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जनरली मोल्स में रिप्रेजेंट करा जाता है। मोल जैसे मान लो कि हमने कहा कि 6.022 × 10³ एटम्स, इतने सारे के सारे एटम्स का जो एक ग्रुप होता है उसको मैं एक मोल बोल देता हूँ, वन मोल, ठीक है। तो वो कहलाता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। तो ये सात फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अभी आगे इन पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, क्या क्या हमसे पूछा जा सकता है, वो डिटेल में बताएंगे। कुल मिलाकर पूरे यूनिवर्स में अगर सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं तो वो ये हैं और कोई नहीं। समझ गए, यहाँ तक क्लियर है। ये फंडामेंटल क्वांटिटीज वो हैं जो किसी और चीज पर डिपेंड नहीं करती। बताइए सभी को क्लियर है इतना? यस सर। ठीक है, चलिए जी, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। अगला सेकंड टाइप है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज में क्या है, वो फिजिकल क्वांटिटीज हूज डिफाइनिंग ऑपरेशंस फिजिकल क्वांटिटीज हूज डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज The physical quantities whose defining operations are based on other physical quantities are called derived quantities. Are called derived quantities. तो जो quantities जो हैं, जिनके operation, जिनकी working दूसरी क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, उनको हम बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। इसका एग्जांपल एग्जांपल है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, वेलोसिटी कॉमा एक्सेलरेशन कॉमा फोर्स कॉमा momentum etc. velocity acceleration force momentum etc. हम ये जानते हैं, इनमें से कोई भी चीज आप उठाकर देखिए, अगर मैं velocity की बात करता हूँ तो velocity क्या होता है, distance upon time, वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, है ना। या सिंपली अभी तो मैंने वेलोसिटी को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करा, वेलोसिटी v इज इक्वल टू u प्लस at होता है, मैं बिल्कुल बेसिक बता रहा हूँ कि अगर वेलोसिटी को हम बोलें कि वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में दे रखी है, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन ही मोशन हो रहा है, तो स्ट्रेट लाइन मोशन में स्पीड और वेलोसिटी एक ही बात होती है, अंटिल एंड अनलेस आपका मोशन जो है वो अलग 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 पाथ से होता हुआ ना जाता हो। अगर एक स्ट्रेट लाइन मोशन है तो स्ट्रेट लाइन मोशन में वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होती है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जो डिस्प्लेसमेंट है और डिस्टेंस है वो भी सेम होता है। तो इसमें मैं ये बोलूंगा कि डिस्टेंस और टाइम पर डिपेंड कर रहा है। डिस्टेंस क्या है, लेंथ, और टाइम क्या है, टाइम, यानी कि ये दोनों
ये जो वेलोसिटी है ये किस पर, ये दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर डिपेंड कर रहा है। दो फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक डिराइव्ड क्वांटिटी बनती है। आगे अगर एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन, ये एक्सेलरेशन होता है। ठीक है, ये मैं एक एक चीज आपको डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा, हर चैप्टर में है ये सारी चीजें हैं। आगे अगला आपका चैप्टर आएगा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, उसमें सारी चीजें। अनमोल बताओ क्या कह रहे हो? तो सर हम ये कह सकते हैं जो ड्राइव क्वांटिटीज है वो हमारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पे डिपेंड करती हैं। बिल्कुल यही तो है, जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं वो सारी की सारी डिपेंड ही फंडामेंटल क्वांटिटीज पर करती हैं। फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच डिफाइनिंग ऑपरेशंस आर बेस्ड ऑन अदर फिजिकल क्वांटिटीज, जो दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज पर डिपेंड करती हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, और जो किसी पर डिपेंड नहीं करती, जो इंडिपेंडेंट होती है, उनको बोल देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटीज। समझ गए? Yes, sir. ठीक है, अब इसी तरीके से एक्सेलरेशन देखा जाए तो वेलोसिटी इनिशियल फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, v माइनस u, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये जो फाइनल माइनस इनिशियल है ये भी हमारी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और ये जो टाइम है, टाइम एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। जो डिराइव्ड क्वांटिटी है ये भी तो फंडामेंटल से ही बनी है, तो फंडामेंटल से ये डिराइव्ड बनी और डिनोमिनेटर में ये फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो एक्सेलरेशन एक ऐसी क्वांटिटी हो गई जो बाकी की दोनों जो अलग अलग क्वांटिटीज पर डिपेंड करती है, तो अलग अलग क्वांटिटीज पर डिपेंड करने वाली क्वांटिटी को हम बोल देते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। बताइए जी, क्लियर है? क्लियर है सभी को? यस सर। चलिए जी, ठीक है। उसके बाद अगला नोट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगला नोट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स जिसमें अ कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज यूज्ड टू मेजर कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स विच इज complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities, which is used to measure all kinds of fundamental and derived a complete set of units which is used to measure all kinds of fundamental and derived quantities, fundamental and derived quantities is called a system of units. Is called a system of units. Is called a system of units. ठीक है, सिस्टम ऑफ यूनिट्स वही, जैसे कि हम ये जानते हैं कि अगर मान लो मैं लेंथ की बात करता हूँ तो लेंथ की यूनिट क्या होती है, मीटर। तो हम ये बोल देते हैं, हम ये जानते हैं कि जो एसआई यूनिट होती है लेंथ की वो मीटर होती है, जो टाइम की एसआई यूनिट होती है वो सेकेंड होती है। तो ये अब तक पढ़ते तो आ रहे थे लेकिन अभी तक ये नहीं पता था कि एसआई होता क्या है, तो वो चीज को डिटेल में पढ़ना है। तो आप यहाँ पर नोट करेंगे सिस्टम ऑफ यूनिट्स मतलब कि यूनिट्स का सिस्टम क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर अपनी कोई मोटर बाइक है या कोई स्कूटर है मैं उसको चलाता हूँ,
तो उसका जो सामने जो जो ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर का मतलब जिसमें हमारी स्पीड और डिस्टेंस दोनों आता है, तो उसमें डिस्टेंस भी आया कि हमने अपना स्कूटर कितना चलाया, और उसमें जो हमारी करंटली स्पीड है, मान लीजिए मैं किसी भी स्पीड पर जा रहा हूँ तो उस पर मीटर बनी होती है, कई जगह डिजिटल होता है, डिजिट्स में लिखा हुआ आता है। तो फॉर एग्जाम्पल मैं 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर जा रहा हूँ, इफ आई गो टू एनी यूरोपियन कंट्री, तो यूरोपियन कंट्री में सिस्टम ऑफ यूनिट ये चलता ही नहीं है किलोमीटर पर आवर, वहां पर एमपीएच चलता है, एमपीएच मतलब माइल्स पर आवर, वहां माइल्स पर आवर चलेगा। मैं आज अपना वजन नापता हूँ तो मेरा वजन आता है फॉर एग्जाम्पल 80 किलोग्राम, ठीक है, तो मेरा वजन 80 किलोग्राम है, लेकिन अगर मैं किसी यूरोपियन कंट्री में चला जाता हूँ तो वहां पर वजन जो है वो पाउंड्स में नापा जाता है, या फिर आउंसेस, OUNCES, आउंसेस में नापा जाता है। तो अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स हो सकती हैं, ठीक है ना। तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स में ये आता है कि जनरली जनरली इंटरनेशनली कौन सी सिस्टम ऑफ यूनिट्स एक्सेप्ट करी जाती है, उसको हम सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोल देते हैं। अगर मान लीजिए आप मार्केट में कभी जाते हैं और आपको आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ऐसा है कि तुम्हें मार्केट से एप्पल लेकर आने हैं और बनाना लेकर आना है, तुमने कहा ठीक है, अब तुम एप्पल लेने गए, तो एप्पल तुमने तुम्हें पहले कुछ एक्सपीरियंस था नहीं, तो तुमने उनको बोल दिया कि भाई एप्पल जो है, एप्पल का बताओ आप पर केजी मतलब 1 किलोग्राम का कितना कॉस्ट है, वो बोलता है 80 रुपीज या 100 रुपीज या 120 रुपीज, जो भी उसका कॉस्ट है वो बोल देता है आपको। तो आपने कहा कि अच्छा 100 रुपीज है, चलिए तो आप 1 किलोग्राम कर दीजिए, 1 किलो मेरे को एप्पल चाहिए, वो ले लिया। फिर आप बनाना लेने पहुंचते हैं, आप बनाना पूछते हैं कि बनाना 1 किलोग्राम कितने का है, तो वो कहेगा एकदम से भाई किधर से आया है, कौन है, तो आप कहोगे कि क्या हो गया, मैंने अभी सेब भी तो खरीदे, उन्होंने भी बताया था कि 1 किलो सेब 100 रुपए के हैं, तो बताओ ना 1 किलो जो बनाना है वो कितने रुपए के हैं। तो वो बोलता है भाई किधर से आया, तेरे को नहीं पता, कहेंगे हाँ मैं नहीं पता, तो फिर वो बोलेगा कि जो बनाना होते हैं वो बनाना हम किलो के हिसाब से नहीं बेचते, वो हम बेचते हैं डजन के हिसाब से। आप कहीं भी इंडिया में चले जाएंगे तो वो जो बनाना होता है, बनाना को तोला नहीं जाता, वेट नहीं करा जाता उसका, वो हमेशा काउंट करके दिए जाते हैं कि डजन में आते हैं 12। तो जो केले हैं, केलों को खरीदने की यूनिट बिल्कुल ही अलग चलती है, समझ गए, मालूम है सब बच्चों को कि नहीं, है यस सर, यस ना, सर, सभी को मालूम है ना। तो आप केले अगर कभी भी खरीदने जाएंगे तो केलों का कोई वजन आपको तोल कर नहीं देगा, ठीक है, उसका रीजन यही है कि केले कोई छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो ऐसा नहीं है कि उसको बीच में से काट काट के वो कुछ अलग कर दें तो वो केला काटने के बाद खराब हो जाता है कुछ टाइम बाद, तो वो आपको प्रॉपर केला ही देंगे, तो प्रॉपर केला आपको नाप कर नहीं गिनकर मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड क्वांटिटी, वो क्वांटिटी होगी। तो अब सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो इंटरनेशनली अलग अलग कंट्रीज में कौन कौन से सिस्टम यूज करे जाते हैं, आप नेक्स्ट लिखेंगे सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। Some of the commonly used system of units. Some of the commonly used system of units are as follows. First is CGS system. CGS system. It is a French system. It is a French system it is a French system based on centimeter. It is a French system based on the French system based on centimeter, comma, gram and second. Centimeter, comma, gram and second. CGS. C for centimeter, G for gram and S for second. Centimeter, gram and second
as the fundamental units of as the fundamental units of length, mass and time, length, mass and time respectively. ठीक है, तो फ्रांस में ये सिस्टम चलता है. फ्रांस में अगर आप लेंथ की बात करेंगे तो लेंथ की जो बेसिक यूनिट चलती है वो चलती है सेंटीमीटर. ठीक है, जो मास है, मास की अगर बेसिक यूनिट चलती है तो वो चलती है ग्राम, और अगर टाइम है तो टाइम की बेसिक यूनिट चलती है सेकंड. ठीक है, तो सीजीएस सिस्टम इट इज अ फ्रेंच सिस्टम. ये सबको समझ में आ गया? यस सर. ऐसे ही अभी मैं आऊंगा धीरे धीरे, इंडिया का भी बताऊंगा, ब्रिटिश का भी बताऊंगा. तो बेसिकली चार सिस्टम है, और फिर ये हो गया कि धीरे धीरे ये डेवलप हुआ पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में. एक चीज डेवलप हुई कि अरे अब ग्लोबलाइजेशन का जमाना है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं पर तो पाउंड्स में मास मेजर करा जा रहा है, कहीं पर किलोग्राम में मेजर करा जा रहा है, कहीं पर ग्राम में मेजर करा जा रहा है, कहीं पर आउंसेस में मेजर करा जा रहा है. ये चक्कर खत्म करो, तो एक यूनिवर्सल बॉडी बना दो. तो वो यूनिवर्सल बॉडी हो गई सिस्टम इंटरनेशनल. सिस्टम इंटरनेशनल का मतलब हो गया जिसको हम एसआई यूनिट बोलते हैं. तो एसआई यूनिट की अगर बात करी जाए तो वहां पर जो लेंथ है, लेंथ के लिए मीटर यूज करा जाता है, मास के लिए किलोग्राम यूज करा जाता है, और टाइम के लिए सेकंड यूज करा जाता है. तो मैं अभी आऊंगा, ये बिल्कुल बेसिक सिस्टम है. सबसे पहले सीजीएस सिस्टम चलता था, ठीक है, उसके बाद एमकेएस सिस्टम आया, फिर एफपीएस सिस्टम आया, और फिर फाइनली आया एसआई सिस्टम. तो आगे की नेक्स्ट क्लासेस में बताऊंगा, अभी के लिए बस इतना कर लीजिए. सीजीएस सिस्टम तक हमने करा, और फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है, डिराइव्ड क्वांटिटीज क्या होती है वो हमने करा है, ठीक है ना. और आपको एक बेसिक आइडिया दे दिया कि फिजिक्स में बेसिकली अगर मैं 11th और 12th की बात करूं तो यहां पर हमको पूरा ही जो हमारा सिलेबस है वो पूरा का पूरा सिलेबस ये किस चीज पर बेस करता है कि हमारे क्वेश्चंस किस तरीके के आएंगे. तो क्वेश्चंस आएंगे एक तो थ्योरेटिकल प्लस कंसेप्चुअल, एक आएगा न्यूमेरिकल, और एक आएगा डेरिवेशनल पार्ट. तो ये तीन तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना. तो इसको लेकर हम आगे चलेंगे. हम चैप्टर 2 स्टार्ट कर चुके हैं, यहां से इस सिस्टम से मैं आगे स्टार्ट करूंगा. एंड आई गारंटी यू कि एक एक चीज बेसिक से स्टार्ट होगी, तो कोई भी चीज अगर आपको बिल्कुल भी नहीं आती तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. ये बिल्कुल इनिशियल पॉइंट समझिए हर बच्चे का. हाँ जी बेटा बताओ. इस चैप्टर को करने में कितना टाइम लगेगा? बता दूंगा आपको, बहुत जल्दी हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है. अच्छा सर, क्योंकि मेरा टेस्ट है तो फर्स्ट चैप्टर तो इजी है, वो तो मैंने कर लिया, बस सेकंड चैप्टर अभी पूरा नहीं हुआ. तो मेरे को लगा कोई बात नहीं. कब है आपका टेस्ट? कब है? 4 तारीख को ना सर. 4th. हां तो मैं 4th से पहले करा दूंगा इसको. ओके सर, ठीक है ना, 4th से पहले मैं करा दूंगा. मेरे को बस WhatsApp पर आप मैसेज करके छोड़ देना, मुझे याद रहेगा तो मैं उससे पहले करा दूंगा. ठीक है, चलिए जी, फिर आज इतना ही करेंगे. थैंक यू सर. थैंक यू सर. ओके. थैंक यू सर. ओके. ओके.